आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही कॉमन इंडियन घरों में नॉर्मली बनने वाला, वो है सैंडविच। जनरली क्या होता है, हमारी मम्मियों ने भी जो हमें बना बना के बहुत खिलाया है और टिफिन में दिया है, जो कि है आलू, हम उबले हुए आलू रखे होते हैं, उसको फटाफट मैश किया, मसाले थोड़े से डाले और भर के बना दिया, तो वो सैंडविचेस बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन बच्चों को थोड़ा न्यूट्रिशन भी देना है, तो आप उसमें मन चाहे स्टफिंग में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कुछ चीज़ें डाली हैं जिससे इसका टेस्ट भी इन्हांस हुआ है और न्यूट्रिशन तो इन्हांस हुआ ही है। तो इसको कैसे तैयार करना है, चलिए हम बताते हैं। इसके लिए जो सैंडविचेस आज हम बना रहे हैं, वो उसके लिए सबसे पहले तो ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ये मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। वैसे जनरली लोग अकेले आलू से बनाते हैं, पर आजकल न्यूट्रिशन ऐड करने का वो है ना, बच्चों को भी हम न्यूट्रिशन देना चाहते हैं और इसमें चटपटा रहेगा तो बच्चे टिफिन में आप देंगे ना तो बहुत ही, और या सुबह के ब्रेकफास्ट में, तो उसके लिए मैंने आलू बेस के लिए 4 आलू लिए हैं बॉइल्ड, और साथ में ये छोटा बहुत ही महीन काटा है ये प्याज है, और ये मैंने या तो गाजर कद्दूकस कर लीजिए, ये मैंने चॉपर में चला के बहुत छोटा छोटा कर दिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती है, ये मटर है, ये भी सीजन है इसलिए उबाल के ये डालेंगे, और साथ में ये थोड़े से बेसिक से मसाले हैं, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये गरम मसाला है, और ये लाल मिर्ची है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और लाल मिर्ची आप डालिए। तो बस सबसे पहले हम मिक्स तैयार करेंगे, उसके लिए आलू को मैश कर लेंगे और मटर उसमें डाल देंगे, और ये सब कुछ डाल के एक मिक्स तैयार करेंगे। पहले ये आलू, ये जो ब्रेड ली है अपन ने, उसकी किनारी काट लेंगे। आप चाकू से काट लीजिए, नहीं तो मैं ये ना पिज्जा कटर से काट रही हूँ, इससे ना बड़ी आसानी से कट जाता है, तो आप चाहिए तो चाकू से भी काट सकते हैं। और ये जो बचेगा इसको फेंकिए नहीं, इसको आप मिक्सी में चला के और बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। इसको काटने का ये पर्पस है, आप बिना काटे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है आपस में चिपकता नहीं है ब्रेड का, अगर किनारी मोटी रहती है तो बस उसके लिए इसको निकालना होता है, चाहे तो इसको रख भी सकते हैं। वैसे हम इसे फेंकते नहीं हैं, इसके ब्रेड क्रम्स बना के यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, मैं स्टफिंग को थोड़ा सा भून लेती हूँ, उससे थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाता है, बस उसके लिए। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो ऐसे भी मिक्स करके भर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। और इसके लिए थोड़ा सा कोई भी आप मनचाहा ऑयल डालिए, आप चाहिए तो ऑलिव ऑयल डालिए, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल डालिए, या बटर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर मैंने इसमें कड़वा तेल डाला क्योंकि मुझे चटपटा टेस्ट चाहिए और मुझे इसमें मज़ा आता है, तो इसको पहले अच्छी तरह गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है तो इसमें सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी, और प्याज डाल के हल्का गुलाबी होने तक प्याज को भून लेंगे, पूरा लाल नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें तो कुछ लोगों को कच्चे प्याज का भी टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए लोग कच्चा भी उसको रखते हैं, लेकिन हम हल्का सा भून लेंगे। अब देखिए प्याज हल्का हल्का गुलाबी होने लगा है, बिल्कुल लाल लाल नहीं करना है, मैंने जैसा बोला था। उसमें ये हम गाजर जो हमने अपना पतला पतला करा हुआ है, चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, वो डाल देंगे, और इसको भी 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब उसमें ये जो हमने उबले आलूओं को मैश कर लिया है उसको डाल लेंगे, और वो मैंने मटरों को भी थोड़ा सा हल्का सा पारबॉयल करा हुआ है, मटर को भी इसी में ऐड कर देंगे, उबले हुए मटर को भी। ये मैंने उबाल के छन्नी पे रखा हुआ है जिससे इसका पानी निकल गया है सब, ये भी मैंने डाल दिया है। और मटर को मैश पूरा नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा दबा देंगे, मुँह में आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, और इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे। साथ में ये सारे मसाले जो बेसिक से हमने रखे थे, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्ची और गरम मसाला, उसको भी हम डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस ये धनिया पत्ती इसको हाथ से ही तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे, और बस गैस बंद कर देंगे, हल्का ठंडा होने देंगे, और फिर स्टफ करके हम तवा चढ़ा दिया उधर मैंने। अब इस तरीके से जो ब्रेड के हमने वो किनारी काट के रखा हुआ है उसमें हम ये स्टफिंग को अच्छी तरह से फैलाएंगे। स्टफिंग जितनी अच्छी तरह से भरी होगी ना उतना टेस्टी लगेंगे, ऑब्वियसली सारा टेस्ट जो है वो तो उसी का स्टफिंग का आएगा। और फिर उस पर दूसरा वाला रख के अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए हर तरफ से, जिससे वो थोड़ा सा आपस में चिपक जाए। और इधर मैंने तवा गर्म करने रखा है, उस गर्म तवे पे हल्का सा बटर डाल के मैं इन स्टफिंग वाली ब्रेड को रखूंगी।
ये इस तरह तवे पे मैंने गरम वो करने तवा रख दिया था और उस पर ये बटर डाला है मैंने। जैसे ही बटर हल्का सा पिघलेगा और उस पर हम अपना ये स्टफिंग वाला वो सैंडविच रख देंगे। आपके पास वो ग्रिल पैन हो तो उसमें भी अच्छा बनता है, उसमें अच्छी डिज़ाइन आती है ना, लेकिन मैं नॉर्मल तवे पे भी आपको करके बता रही हूँ। ना हो ग्रिल पैन या आपके पास सैंडविच मेकर ना हो तो भी ये किस तरीके बन सकता है। ये देखिए इसको फ्लिप किया, कितना अच्छा लाल लाल सिक गया ना। तो नॉर्मल तवे में भी आप ऐसे ही अच्छे से सैंडविचेस फटाफट बना सकते हैं। आपके पास सैंडविच मेकर हो तब तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा, और बच्चों के टिफिन में ये एक बहुत ही हेल्दी पौष्टिक नाश्ता होगा जो टेस्ट में भी उनको बहुत पसंद आएगा। अब देखिए ये इसको हम सर्व कर देंगे इस तरीके से। बीच से मैं काट के भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा लगता है। अच्छा तो ये तैयार है हमारा मनपसंद सा इंडियन रसोई घर का नॉर्मल सा नाश्ता यानी सैंडविचेस, और जिसमें अलग तरह की स्टफिंग करके ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, फटाफट बना के खिलाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा बच्चों को। आप अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं वो भी बताइएगा। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड एंड कीप वॉचिंग सखी किचन।